अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मैम, कैन यू जी, हियर मी? आवाज? नाउ यस आई कैन। आवाज आ रही है बेटे? अब यस आई कैन ओके हियर यू। ओके। सो वी हैव डन द न्यूमेरिकल्स, और कल मैं स्टार्ट करवाया था मैंने, लेकिन मैं अगेन थोड़े से न्यूमेरिकल्स रिकॉल आपको करवाऊंगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो हमने जो किया था बेसिकली वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम पढ़ रहे थे। मैं बस इसको वाइंड अप करूंगी, ठीक है, और इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे आएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स पास्ट पेपर से आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, दैट वुड बी योर होमवर्क। और जो क्वेरीज होंगी और जो क्वेश्चंस प्रॉब्लमेटिक होंगे वो हम फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। यानी एक दिन हम पास्ट पेपर का रखेंगे और उसमें हम जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं उससे वो हम सॉल्व करेंगे। अभी वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस दिस पीडीएफ, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स और मैंने सॉर्ट आउट किए हैं पास्ट पेपर से ही, वो भी मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगी क्लास में, एंड देन आपके पास कुछ होमवर्क भी होगा। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस वर्क एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस यूजिंग एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग गैसेस ऑक्यूपाई हाइड्रोजन 3 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड 0.25 मोल, ऑक्सीजन 5.4 मोल, एंड अमोनिया 0.02 मोल। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि व्हेन वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ एनी गैस, इट वुड बी इक्वल टू द मोलर मास। यानी फॉर एग्जांपल, इफ इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 44 ग्राम, विच इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द नंबर ऑफ एटम्स और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी 6.02 × 10²³ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। एंड इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम कंडीशन, व्हेन वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ गैस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 6.02 × 10²³, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास वी आर हैविंग इज 44 ग्राम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस वुड बी फिक्स्ड, व्हिच वुड बी 24 डेसीमीटर क्यूब। ये मैंने बताया था आपको, ये याद है? हेलो यस जी बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे मैं इसको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगी, ठीक है। लेट्स से वी हैव नंबर वन इज हाइड्रोजन 3 मोल, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है इट इज हैविंग 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो 3 मोल कितना होगा? ऑब्वियसली यू गाना मल्टीप्लाई 3 विद 24। ये वर्बली ही आप कर सकती हो, इट्स वेरी इजी। इसी तरह वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 24 डेसीमीटर क्यूब, 0.25 कितना होगा? ऑब्वियसली 24 से मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि दीज आर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, बट यूजुअली ये एमसीक्यूज में आते हैं क्योंकि आप वर्बली बहुत ईजी कर सकते हो, ठीक है। फोर जो ये एग्जाम्पल दी हुई है, एक तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लो 5.4 को, फिर आप ऑक्सीजन को 24 से मल्टीप्लाई कर रही हो, फिर आप 0.02। जो आपके पास ये तीन पार्ट है, 5, 6 और 7, यहाँ आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है। अब मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एक ही है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकती हो, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकती हो, ठीक है। तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आपका एक सॉर्ट ऑफ होमवर्क है, ठीक है, ये आप सॉल्व करोगी। और अभी मैं आपको जो कल मैंने एक स्टार्ट करवाया था न्यूमेरिकल, मैं उसको पहले कंटिन्यू करवाऊंगी, विच Can आई कैन नॉट हेयर यू, कैन यू रिपीट? बेटा देयर इज सम इश्यू विद योर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज आई हैव जस्ट चेक इट, वॉल्यूम इज फाइन एंड एवरीथिंग इज फाइन हियर। आप अपना कनेक्शन चेक करो, या स्पीकर चेक करो, या माइक चेक करो। आई रियली कैन नॉट हेयर यू। बहुत बहुत लो आवाज है, बहुत लो वॉइस है। What is your question? Repeat. Miss, I said, can you change the page so that I can write down the हाँ, number? yeah, sure. There is some issue with the voice. I don't know if it is your internet connection or your mic, but you gotta check it. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी चेक कर लिया है, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। Just write the question. ठीक है, write down the question and that would be the homework. Right now we are solving the limiting reactant numericals.
अच्छा वॉल्यूम ऑफ गैस का ये फॉर्मूला वही है ठीक है जो कि मैंने भी आपको बताया है. अब वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, दैट वुड बी इन मोल एंड ऑब्वियसली डिवाइड बाय 24. तो यानी मोल्स को ही हमने बहुत सारे तरीके से पढ़ा था कि मोल्स का बेसिक फॉर्मूला इज मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास. फिर मैं उसको अगर एवोगैड्रो के हिसाब से चेंज कर रही हूँ तो दैट वुड बी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. और अगर हम उसको वॉल्यूम के, कांस्टेंट रहेगा, सॉरी व्हाट, 24 कांस्टेंट रहेगा। 24 इज कॉन्स्टेंट. यस, व्हेन वी आर हैविंग 1 मोल 24 इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम एज एवोगैड्रोस नंबर. When we are talking about the number of atoms, number of molecules, number of ions, constant value वहाँ पे क्या थी? Avogadro थी. कि अगर 1 मोल की हम बात करें तो constant value of Avogadro would be 6.02. इसी तरह अगर हम volume की बात करते हैं और वो 1 मोल है तो वहाँ पे भी constant रहेगा 24. वो अलग बात है कि अगर मैं 2 मोल्स कर दूँ तो 24 would be multiplied by 2, right? अगर 3 मोल्स की बात करते हैं तो 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट डिपेंड्स के क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस ये हो गया, इसका फॉर्मूला इज गिवन. क्वेश्चन ये है ठीक है. 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम इज रिएक्टेड विद 8 ग्राम ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फाइड. फर्स्ट यू गॉटा मेक द इक्वेशन, ठीक है. सबसे पहला काम है इक्वेशन बनाना और इसको बैलेंस करना. तो आपने, ये रही आपकी इक्वेशन, इन्होंने पहले मोल्स कैलकुलेट किए हुए हैं. आप इक्वेशन बनाओ, डजेंट मैटर, आप इक्वेशन बनाइए. सोडियम प्लस सल्फर, और आपने सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखा है बिकॉज Na इज +1 एंड सल्फाइड इज -2. आफ्टर क्रॉस ओवर मैथड द फॉर्मूला वुड बी Na2S. बैलेंस कर दिया आपने, ठीक है. अब आपके पास यूनिटरी मैथड के अकॉर्डिंग ये जो सॉल्यूशन हुआ है, ये ऑब्वियसली फॉर्मूले की बेसिस पे. मैं यूनिटरी मैथड आपको बता रही हूँ. क्या बता रही हूँ मैं यूनिटरी मैथड की, भाई देयर इज अ रेशियो बिटवीन Na एंड S विच इज 2:1. 2:1 का रेशियो है, ठीक है. अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है ऑब्वियसली वी आर फोकसिंग द रिएक्टेंट्स हियर एंड वी हैव नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट. दैट मींस वी आर कंसर्न्ड विद सोडियम एंड सल्फर, ठीक है. वैल्यूज दोनों की गिवन है. 9.2 ग्राम गिवन है सोडियम का, 8 ग्राम सल्फर का. मैंने आपको समझाया था कि दीज आर दी वैल्यूज गिवन इनिशियली, राइट, कि हम जब रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रिएक्टेंट आपके पास सोडियम 9.2 ग्राम है, सल्फर आपके पास 8 ग्राम है. वॉट वी हैव टू फाइंड आउट इज हाउ मच, और हाउ मच इन ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम और इन टर्म्स ऑफ मोल, हाउ मच सोडियम इज बीइंग यूटिलाइज्ड और हाउ मच सल्फर इज बीइंग यूटिलाइज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. एंड द वन विच हैज बीन कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड वन विच विल बी इन एक्सेस. ऑब्वियसली वो आप एक्सेस की वैल्यू निकाल रहे हो. तो ये इनिशियली तो 9.2 मैंने इसको लिया, 8 इसको लिया, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 8 ग्राम में से कितना कंज्यूम हो गया, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. या 9.2 में से कितना कंज्यूम हो गया, ताकि हमें ये एट द एंड पता चल जाए कि भाई विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा. तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट द इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन बैलेंस करेंगे आप. इक्वेशन बैलेंस करने के बाद यू हैव अ रेशियो विच इज 2:1, ठीक है. तो ये रेशियो बेटा मोल्स का है. तो अगर मैं मोल्स के रेशियो की बात कर रही हूँ स्टोइकोमेट्री में, मैं 3 स्टेप, यानी यूनिटरी मैथड के अंदर मैं 3 स्टेप पे रिलाई करती हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए. फर्स्ट स्टेप इज बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन. तो जो इक्वेशन है, व्हेन वी लुक एट दिस इक्वेशन वी हैव अ रेशियो 2:1. जब मैंने 2:1 रेशियो ले लिया तो ये मैंने मोल्स की बात की है, राइट. जब मैंने मोल्स की बात की है तो यहाँ पे भी मेरे पास जो मास गिवन है, आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मोल्स. ऑब्वियसली द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, कि मास वुड बी डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. 9.2 वुड बी डिवाइडेड बाय, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23. तो 9.2 को 23 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 0.4 मोल्स आ गए. इसी तरह सल्फर, इसको हमने 32 एटॉमिक मास ऑफ सल्फर से डिवाइड किया, 0.25 आ गया, ठीक है. तो क्या हुआ, क्या समझ आया, समझ आया कि हम अगर मोल्स के बारे में बात कर रही हैं, 2:1 रेशियो में लेके चल रही हूँ, तो आई हैव टू फाइंड आउट द मोल्स फर्स्ट फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन और फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ मास. और अगर मैं मास मास रिलेशनशिप ही कंटिन्यू करूं बेटा, तो मैं 9.2 ग्राम और 8 ग्राम को अगर कंसिडर सिर्फ करती हूँ, तो आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड सल्फर. तब मैं 2:1 का रेशियो नहीं ले सकती, तब मैं बात करूंगी 23 ग्राम ऑफ सोडियम वुड बी इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ सल्फर. और ये भी 23 नहीं होगा क्योंकि ये 2 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से. क्या ये आपकी बात समझ आई है कि हम कब मास पे डिपेंड करेंगे और कब हम मोल्स पे डिपेंड करेंगे. दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं. यू कैन गो विद द मासेस
of this atomic mass of this reactant, or you can convert them into moles. Did you get it? ठीक है, तो your voice is not clear. I really cannot understand. मुझे मुझे समझ आया. You can calculate the moles. It's up to you. If you are taking the moles over here from the equation, that means 2:1 ratio. Obviously, you got to convert these values into moles first. And if you are considering atomic masses as masses only, के 9.2 or 8 gram ही आपको लेके जाना है, then you'll have to consider the atomic masses of these reactants. ठीक हो गया? ये बात clear है? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोलर रिलेशनशिप के बेस पे किया हुआ है. क्या किया हुआ है कि भाई अगर 2:1 का रिलेशनशिप है, अगर 2 मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फर, तो यहाँ पे कितने आपने सोडियम के मोल्स निकालने हैं? 0.4. तो 2:1 है तो एक में कितना होगा? 1/2. 0.4 में कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4. इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ और आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए ताकि जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे क्लियर हो. भाई बात हो रही है कि 9.2 ग्राम जी 9.2 ग्राम गिवन है और 8 ग्राम गिवन है. 9.2 ग्राम था सोडियम और सल्फर था आपके पास 8 ग्राम. ठीक है, इधर यू कैन गो विद द सेम वैल्यूज और यू कैन कन्वर्ट देम इनटू मोल्स बाय डिवाइडिंग इट विद द एटॉमिक मासेस. 23 ए हो गया, 32 ए हो गया. वट एवर द आंसर इज वुड बी द नंबर ऑफ मोल्स. और आंसर आ रहा है बेटे आपके पास इसका 0.4 आ रहा है मेरा ख्याल है. ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही, हम जस्ट अज्यूमिंग द वैल्यूज. यहाँ पे शायद 0.2 आ रहा होगा, कुछ भी ले लीजिए. अब इक्वेशन है बेटा आपके पास सोडियम प्लस सल्फर, ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एंड N8 2S. क्यों? बिकॉज सल्फर इज हैविंग -2 वैलेंसी, सोडियम इज हैविंग +1 वैलेंसी. बैलेंस कर लिया आपने, तो अगर मैं इस बैलेंसिंग वैल्यू को कंसिडर करूं, द रेशियो इज 2:1. ठीक, तो ये मोल्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मोल्स पहले निकाल दिए. तो फर्स्ट आपका स्टेप आ गया ये यूनिटरी मेथड का कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ सल्फर इन ऑर्डर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड. तो बेटा एक में कितना होगा? 1/2 एंड देन द कैलकुलेटेड मोल्स वर 0.4. तो 0.4 में कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4. इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है. वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय 0.4, इट वुड बी इक्वल टू 0.2, राइट. ये 0.2 वैल्यू किसकी आई है? ये 0.2 वैल्यू आई है किसकी आई है 0.2 वैल्यू? एनए की. ठीक है, एनए की या सल्फर की? एनए. देखो और से दोबारा, ये एनए है, ये सल्फर है. 2 मोल्स ऑफ एनए रिक्वायर्स 1 मोल. तो 1 मोल कितना चाहिए एनए? एनए के 1 मोल के लिए सल्फर कितना चाहिए? 1/2. तो एनए के 0.4 मोल्स यूटिलाइज करने के लिए सल्फर कितना चाहिए? 0.2. क्या बात आई है समझ? ये एनए है और ये सल्फर है. नहीं हो रहा ये बात क्लियर? नहीं हुई? आई अगेन कैन नॉट हियर यू. ओके, देखो यहाँ पे हमने मोलर रिलेशनशिप लिया है. ठीक है, मोलर रिलेशनशिप का मतलब हमने इक्वेशन को देखा, द रेशियो इज 2:1. 2:1 का मतलब ये एनए की बात हो रही है और ये सल्फर की बात हो रही है. 2 मोल्स एनए के लिए यानी सोडियम के लिए मुझे चाहिए 1 मोल सल्फर. तो 1 मोल के लिए ऑब्वियसली 1/2 मोल सल्फर चाहिए. लेकिन अगर मैं 0.4 एनए ले लूं अकॉर्डिंग टू दी गिवन डाटा विच इज इन द क्वेश्चन. सॉरी व्हाट? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा.
0.4 मोल्स, ठीक है। अगर आप 0.4 एने के ले रहे हो तो कितने आ रहे हैं इसके मोल्स, 0.2। ये बात क्लियर हो गई। यानी 0.2 जो के आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 8 ग्राम, जिसको आपने कन्वर्ट किया तो 0.2 था, तो रिएक्शन में 0.2 ही पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, सल्फर। ये बात आती है समझ, ठीक है। अच्छा, और अगर हम मास में कैलकुलेट करते, ठीक है, तो मास में हम क्या करते, हम बात करते एटॉमिक मासेस की। यानी ये जो रेशियो मैंने अभी लिया है मोल्स का, इसको मैं इस तरह लिखती, 23 × 2 हो गया 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिक्वायर्स 32 ग्राम सल्फर। तो 1 ग्राम में कितना, 32 / 46, ठीक है, तो 9.2 गिवन, 9.2 गिवन है, तो 9.2 ग्राम अगर मैं सोडियम यूज कर रही हूँ, तो ये बताइए कि 32 / 46 × 9.2, तो मैं इस तरह करती, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर हम मास में कंसिडर करते तो हम इस तरीके से करते, अगर हम मोल्स में कंसिडर करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो टू रिएक्ट कम्प्लीटली 0.4 मोल्स ऑफ एन ए रिक्वायर 0.2 मोल्स ऑफ सल्फर, एंड सिंस देर आर 0.25, अच्छा यहाँ पे जो था वो 0.25 था, ठीक है। तो अब मैंने ऑब्वियसली वहां 0.2 कंसिडर किया था, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 0.25 आ रहा है, जबकि यूटिलाइज करने जो यूटिलाइज हो रहा है जितना सल्फर, इट इज 0.2, यानी एक्सेस में यहाँ पे सल्फर बच रहा है, ऐसा ही है ना। 0.2 यूटिलाइज हो रहा है, 0.25 ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, दैट मीन्स माइनस मैंने किया तो 0.05 सल्फर वॉज इन एक्सेस। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में कौन होगा, सोडियम होगा। क्या ये बात आई है समझ, यस ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले तो हम कर चुके हैं, ये वाली भी हम कर चुके हैं, परसेंटेज यील्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस की मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके मुझे मुझसे पूछ सकती हो कल की क्लास में, या मीन वाइल हम होमवर्क में पूछ सकती हो आप। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थ्योरी डिफाइन कर दूँ। देखो बेटा, जब बात होती है वॉल्यूम्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन में मेजर डिफरेंस ये है कि वॉल्यूम, हम सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं तो वो वॉल्यूम है, ठीक है। यानी अगर मैं बात कर रही हूँ वाटर की, तो लेट्स से वी हैव 10 ml वाटर, ठीक है, दैट्स द वॉल्यूम, 10 ml, मिलीलीटर, या 1 लीटर, या 4 लीटर, या 5 मिलीलीटर, कुछ भी, दैट इज वॉल्यूम। लेकिन अगर हम कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसेंट्रेशन का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन इन अ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट गिवन है, एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की और वाटर की, तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड इज सॉल्यूट हियर एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, और मिलके ये एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कंसेंट्रेशन की, तो कंसेंट्रेशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, कि कितना NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक मौजूद है, प्रेजेंट है वाटर, कितने वाटर के अंदर, यानी मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात कर रही हूँ, कि भाई लेट्स से 1 मोल ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, दैट इज कंसेंट्रेशन। यानी टू डिफाइन दी क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज एक्चुअली कंसेंट्रेशन। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ, वॉल्यूम जो है वो एक सिंपल एक लिक्विड का है, वो वाटर भी हो सकता है, इट कैन बी इथेनॉल, इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी एनी लिक्विड, जिसका सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली सॉल्वेंट। लेकिन अगर उसी सॉल्वेंट उसी वाटर के अंदर मैंने NaCl ऐड कर दिया, और अब मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ, तो मैं अब कंसेंट्रेशन बोलूंगी कि भाई इतना NaCl मौजूद है, इतना NaCl प्रेजेंट है इतने वाटर में, इतनी क्वांटिटी में, इतने कंसेंट्रेशन में, तो ये कंसेंट्रेशन बन गई। ये बात आती है समझ, यस ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को जो डिफाइन कर रहे हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जरूरी नहीं है हमेशा मोल्स मोल्स में हो, आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि भाई इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, ठीक है, तो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट खुद ही कर सकती हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोल्स। सो द पॉइंट इज, ओके, सो द पॉइंट इज कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये कहलाती है कंसेंट्रेशन, यानी कितने वॉल्यूम के अंदर कितना मोल्स गिवन है।
अब एक सॉल्यूशन जो होता है इट कैन ईदर बी कॉन्सेंट्रेटेड और इट कैन बी डाइल्यूटेड, ठीक है? ये हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड कब होता है, व्हेन व्हेन इट इज हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है? जब सॉल्यूट ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। डाइल्यूट करने के लिए मैंने अगर पानी, वाटर या कोई जो भी सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो ज्यादा ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली वो डाइल्यूटेड कहलाएगा, ठीक? तो ये आपके पास कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड होता है। तो डाइल्यूटेड इज हैविंग लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एंड कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास मजीद कुछ फॉर्मूला गिवन है जो कि आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ओनली द मैनिपुलेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम, ये यही फॉर्मूला मैनिपुलेट किया है। आपको बेसिकली ये याद रखना है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोल्स मौजूद है एक सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका जो यूनिट बन रहा है कंसेंट्रेशन का, ऑब्वियसली ये मोल्स है तो यहाँ मोल्स है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम या तो लीटर या मिलीलीटर में मेजर होता है, और लीटर और मिलीलीटर बोलूँ या क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर बोलूँ एक ही बात है। यानी लीटर इज इक्वल टू क्यूबिक डेसीमीटर एंड मिलीलीटर इज इक्वल टू क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके पास जो यूनिट आ रहा है कंसेंट्रेशन का, इट इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आप चाहे इस तरह लिखो या आप ऐसे भी लिख सकती हो कि मोल्स और डेसीमीटर क्यूब मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ 3 मैं माइनस में रखूंगी, ठीक है? 3 माइनस में होगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में अगर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और डेसीमीटर क्यूब के आप ऊपर लेकर जा रहे हो, तो लास्ट में बात है ये DM3, DM-3 हो जाएगा, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग इट फ्रॉम द न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर, ठीक है? सॉरी, फ्रॉम द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर मैं ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अक्सर जगह पे देखोगे कि कहीं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी लिखा है और कहीं मोल्स इंटू डेसीमीटर -3। ये समझ आई है बात? ठीक है। अच्छा, देन वी हैव एन न्यूमेरिकल अगेन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। कंसेंट्रेशन इज गिवन। ये देखें आप, मैं इसकी बात कर रही थी, कंसेंट्रेशन इज 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता था, या आपने बराबर में ही इसके डीएम लेके इसको -3 कर दिया। बोथ आर एक्सेप्टेबल। दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 2.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। आप मुझे बता सकती हो कि हम क्या करें यहाँ पर सबसे पहले? Let's see if we can do it here. जी, आपके पास वॉल्यूम गिवन है, ठीक है? सॉरी, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कंसेंट्रेशन इज गिवन, ठीक है? एंड मास इज गिवन, राइट? और कंसेंट्रेशन है आपके पास, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज वो नहीं ले रही, मैं अपनी तरफ से वैल्यू आपको दे रही हूँ। लेट्स से 15.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज द कंसेंट्रेशन, राइट? मास इज गिवन विच इज 2.5 ग्राम। वॉट इज द फॉर्मूला फॉर कंसेंट्रेशन? कैन यू रिपीट द फॉर्मूला फॉर कंसेंट्रेशन? ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट? डू वी हैव मोल्स हियर? या यस, ओके। लेट्स से वी हैव ये जो कंसेंट्रेशन है ना, मास गिवन है CaCO3 का, ठीक है? कैन यू कैलकुलेट मोल्स? हाउ कैन वी कैलकुलेट मोल्स? बाय मल्टीप्लाइंग दिस 2.5 वैल्यू और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही है, मास इज गिवन, राइट? तो मोल्स की कैलकुलेशन हो जाएगी ये, मोल्स इक्वल्स टू मास इज गिवन विच इज 2.5, एंड ऑब्वियसली मोलर या मॉलिक्यूलर मास में कैल्शियम कार्बोनेट का निकालूंगी विच शुड बी इक्वल टू 100 आई गेस। ये 40 है कैल्शियम, कार्बन इज 12, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन विच इज 48। तो 48 और 12 50, एंड देन वी हैव 40, या इट्स 100, ठीक है?
तो मोल्स आपके पास आ गए 0.0025, ठीक है मोल्स आ गए. नाउ कैन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम? ऑफ कोर्स वी कैन. वॉल्यूम क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें? यस, ये वी यहां जाएगा ऑब्वियसली और कंसंट्रेशन को यहाँ रिप्लेस करेगा. नाउ मोल्स इज मोल्स आर गिवन, ऑब्वियसली वी हैव कैलकुलेटेड इट. तो वी हैव टू डिवाइड 0.0025 विद द गिवन कंसंट्रेशन विच इज 15.2 एंड द आंसर वुड बी वट एवर द आंसर इज द यूनिट वुड बी इन ml और लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक डेसीमीटर. वट विल बी द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? What is the unit here? Why are we using decimeter cube and not cubic centimeter? Okay, in the formula of concentration, it is clearly mentioned that we have to consider volume in decimeter cube. ठीक है? That is a fixed thing. Always remember that. If you are considering volume, if you are calculating the volume, or if the volume is given, in both cases, we have to consider the value in terms of cubic decimeter. If it is in cubic centimeter, then obviously we have to do the conversation, conversion, right? ये dm cube में आ गया, या dm cube बोलूँ या liter बोलूँ, बेटा एक ही बात है. यानी कहीं आपके पास यहाँ dm cube लिखा होगा, कहीं आपके पास यहाँ liter भी लिखा होगा. तो 1 dm cube या cubic decimeter equals to 1000 cubic centimeter. ठीक है? So if the value is given in cubic centimeter, obviously you're gonna divide the whole value with 1000 in order to convert this into cubic decimeter. और मैंने आपको बोला लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम होता है. ठीक है? लेट्स से वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल. ये बात आई है समझ? Okay. Let's say we have volume given, and it is given 2200 cubic centimeter. ठीक है? The concentration is let's say 0.52 moles per centimeter cube. What you have to find out is mass. किसका mass? हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड AlOH3. ठीक हो गया? कैन यू सॉल्व इट? ट्राई टू सॉल्व इट. फर्स्ट थिंग दिस, व्हाट वी हैव टू डू हियर बाय डूइंग व्हाट? डिवाइड बाय 1000. ठीक है? वैल्यू आ जाएगी आपके पास, विच शुड बी 2.2. यस. ठीक है? तो ये तो वैल्यू आ गई आपके पास 2.2 डीएम क्यूब. व्हाट अबाउट दिस दिस वन? यहाँ क्या करें? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000. यस. क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब मोल्स के नीचे है, यानी 0.52 यहाँ पर है. ठीक है? विच इज मोल्स, और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर है. तो अगर यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो 1000 से इस पूरी वैल्यू को, तो ये ऊपर जाके 0.52 से मल्टीप्लाई होगा. ये बात आई है समझ? ठीक है? ये हमेशा याद रखना, जब कंसेंट्रेशन में आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो ये आपके पास ये वाली मैथ्स अप्लाई हो जाती है, एप्लीकेबल होगा ये वाला रूल, कि अगर हम सेंटीमीटर क्यूब यही होता तो लाजमी बात है आप डिवाइड बाय 1000 करते, बट नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में है. तो अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके इस वैल्यू से ये ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा और आपके पास 5200 जो है वो आंसर आ जाएगा. ऑब्वियसली आप शिफ्ट कर रहे हो. ठीक है? तो 520 इज द आंसर. क्या हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट करें? कंसेंट्रेशन, मोल्स
ओवर वॉल्यूम, नाउ वी हैव अ वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर ऑब्वियसली, यहाँ तो मैंने रख दिया 2.2, ठीक है, कंसेंट्रेशन इज गिवन, ठीक है, तो 2.2 यहाँ लिख देते हैं हम, 2.2, और कंसेंट्रेशन इज नाउ 520, व्हाट नेक्स्ट? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, मोल्स आ गया, लेट से मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करी, लेट से वी हैव मोल्स 1200, इज दिस द आंसर, इज दिस द, इज इट इट, इज दैट इट? आगे कुछ करना है, फाइंड आउट क्या करना था? आप फाइंड आउट करना था मास, क्या करें हम इसको? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ऐसा ही है, ठीक है, किसके मॉलिक्यूलर मास से? इसके मॉलिक्यूलर मास से, और क्या फाइंड आउट कर लिया हमने भाई? हमने फाइंड आउट कर लिया मास, इसको निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे, दैट वुड बी इन ग्राम्स, ये बात क्लियर हुई है? यस ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप ये वाली एग्जाम्पल देख लीजिए जो आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बगैर न्यूमेरिकल्स हो ही नहीं सकते, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ अभी इस वक्त। देखो बेटा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद कैल्शियम कार्बोनेट। पहला काम, कोई भी आप इस ज्योमेट्री का न्यूमेरिकल करने जा रही हो, फर्स्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशन, एंड इन ऑर्डर टू मेक द केमिकल इक्वेशन ऑब्वियसली यू मस्ट नो द केमिकल फॉर्मूला, जब भी हमने वो केमिकल फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस की थी, तो केमिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे से मेंटेन रखो, अभी भी उसकी प्रैक्टिस करो। हियर इज दिस इक्वेशन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एज अ रिजल्ट वी हैव कैल्शियम क्लोराइड, बिकॉज ऑफ कार्बोनेट देयर वुड बी ऑलवेज द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बनेगी व्हेन वी हैव कार्बोनेट इन द रिएक्टेंट, एंड द अदर थिंग वुड बी वाटर, ठीक, आपने ये कर लिया। सवाल आपके आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कंसेंट्रेशन गिवन है 1, और जो आपके पास ग्राम यानी मास गिवन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है, हाइड्रोक्लोरिक का नहीं है, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो इक्वेशन बन गई। स्टेप टू, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट रिएक्ट्स, यानी जो आपके पास मास गिवन है आपको ये अच्छे से बताया कि भाई कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले में मास का कोई काम ही नहीं होता, कंसेंट्रेशन के फॉर्मूले में हमेशा मोल्स चाहिए होता है, तो सबसे पहले आप जहाँ मास देख रहे हो आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्वियसली इसका 100 मोलर मास है, आपने क्या किया, आपने इसके मोल्स निकाल लिए 0.025। अब आ जाइए आप इस स्टोइकोमेट्री रिलेशनशिप पे या यूनिटरी मेथड के ऊपर, ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, लेकिन आपके पास जो कंसेंट्रेशन गिवन है वो हाइड्रोक्लोरिक की गिवन है, और वॉल्यूम भी हाइड्रोक्लोरिक का पूछा जा रहा है, जब हाइड्रोक्लोरिक की कंसेंट्रेशन गिवन है वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक का पूछा जा रहा है, तो क्या मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स बेटा गिवन हैं? क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या गिवन है, जस्ट मेक द डेटा इन योर कॉपी एज वेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कंसेंट्रेशन इज गिवन बट मोल्स गिवन नहीं है, मास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, और उस मास की हेल्प से तुमने जो निकाला है वो मोल्स निकाला है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का है, इट हैज नथिंग टू डू विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज इट करेक्ट? कैन यू हेयर मी? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। I can't hear you. ओके, मुझे ये श्योरिटी नहीं हो पा रही ना कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। चलो ठीक है, मैं आपको ये कंटिन्यू करवा रही हूँ, यानी कंप्लीट करवा रही हूँ, अगर समझ नहीं आएगा तो आप या तो टाइप कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है? तो क्या है बेटा यहाँ पे, यहाँ पे बात ही हो रही है कि आपके पास वॉल्यूम इज गिवन विच इज ऑफ एच सी एल, कंसंट्रेशन इज गिवन विच इज ऑफ एच सी एल, बट जो मास गिवन है इट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आपने डिवाइड किया इसकी मोलर मास से, वी आर हैविंग मोल्स हियर बट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन सारा काम आपने हाइड्रोक्लोरिक का करना है, तो इसका इसका क्या मतलब है, यहाँ यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का मोल्स, कि आप कैल्शियम कार्बोनेट की मोल्स से क्या करो, मोल्स निकाल लो एच सी एल के। कैन यू फाइंड इट आउट? ऑब्वियसली वी कैन। हाउ?
बाय यूनिटरी मेथड. ये बात आती है समझ कि अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में रेशियो है 1:2, और मुझे मोल्स निकालने हैं HCl के, क्योंकि मोल्स मेरे पास HCl के गिवन नहीं है, कंसेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम निकालना है. तो लाजमी बात है फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें हैं, कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम, मोल्स. वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड आउट, कंसेंट्रेशन इज गिवन, मोल्स आप इसकी मदद से निकालोगी. तो यहाँ पे जब आपने इसके मोल्स निकाल लिए कैल्शियम कार्बोनेट के, तो आपने देखा कि भाई रिलेशनशिप इज 1:2. तो अगर एक मोल में दो मोल हैं HCl के रिएक्ट हो रहे हैं, तो 0.025 में कितने होंगे? ऑब्वियसली 0.025 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आ गया 0.05 मोल्स. हियर इज द आंसर. अब मेरे पास मोल्स आ गए HCl के, कंसेंट्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड आउट. आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया कंसेंट्रेशन का, विच इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम यू विल हैव टू फाइंड आउट. वॉल्यूम आपने यहाँ रखा, कंसेंट्रेशन आपने यहाँ रखा, अमाउंट में 0.05, विच हैव ऑलरेडी फाउंड आउट बिकॉज ऑफ दी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूनिटरी मेथड के थ्रू. कंसेंट्रेशन इज गिवन एंड एट द एंड यू हैव कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ HCl. जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन में ये देखो कि क्या किसका क्या गिवन है. दो अगर रिएक्टेंट गिवन है, तो किस रिएक्टेंट का क्या चीज गिवन है, एंड उसकी मदद से आपको क्या चीज फाइंड आउट करनी होगी. क्या ये क्वेश्चन आया समझ? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप ये सॉल्व कीजिए. ठीक है, इसको अभी साथ साथ सॉल्व करो. 25 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ 0.05 मोल्स डेसीमीटर क्यूब और सोडियम कार्बोनेट. तो आप एक जगह लिखो सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के नीचे आप उसका वॉल्यूम बनाओ कि वॉल्यूम इसका गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी कंसेंट्रेशन गिवन है 0.05. ये सोडियम कार्बोनेट की दो चीजें गिवन है, वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन. आगे आ जाते हैं. सोडियम कार्बोनेट वॉज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डायल्यूट HCl. अब HCl का क्या बेटा गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, यानी सोडियम कार्बोनेट की दो चीजें गिवन थी, वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन, और HCl का गिवन है सिर्फ वॉल्यूम. फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी वी फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, सी फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इज गिवन. मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, थोड़ा सा ये यहाँ पे मुश्किल तरीके से किया हुआ है, मैं इसको आसान तरीके से बता देती हूँ आपको. 25 एंड 0.05 एंड 20, वेट. जी, Na2CO3, आपको डाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऑब्वियसली अभी आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, तो आप ऑब्वियसली बना दो डाटा. यहाँ पे आपके पास Na2CO3 का बेटा वॉल्यूम गिवन था 25 ml, ठीक, इसका वॉल्यूम गिवन था 20 ml. ठीक है, मैंने इसको V1 बोल दिया और मैंने इसको लेट से V2 बोल दिया. तो मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन, अच्छा कंसेप्ट मोलैरिटी अभी हम नहीं पढ़े, तो मैं इसको C से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. ठीक है, C1 विच वॉज गिवन 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ मैं इसको C2 कह देती हूँ, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना जहां पर आपके पास दो वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, एक और कंसिडरेशन गिवन है, और एक और कंसिडरेशन फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है M1C1 = M2C2, और मुझे फाइंड आउट करना है C2. तो मैंने C2 को यहीं रखा, और मैंने M1C1 के नीचे डिनोमिनेटर में मैं लेकर आ गई M2 को. क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. M1, ओके, अगेन मोलैरिटी मैंने यूज कर लिया है, वेट अ सेकेंड, मैं इसको करेक्शन कर दूं. मोलैरिटी और कंसेंट्रेशन में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, एक ही बात है, यानी जो फॉर्मूला आप याद कर रही है उसको मोलैरिटी, मोलैरिटी पढ़ा है वैसे कभी? ठीक है, तो कंसेंट्रेशन और मोलैरिटी में बेटा कोई फर्क है नहीं, यही फॉर्मूला है. ठीक है, मैं इसको मोलैरिटी भी कह सकती हूँ.